हरे कृष्णा राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। आज का लीला सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे ठाकुर जी अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं और उनके सेवा के लिए वो कैसे हर हद को ही पार कर देते हैं। कैसे ठाकुर जी ने तनुजा देवी और उसकी छोटी सी बेटी तिथि जी के जीवन को ही बदल दिया, जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तिथि जो कि बस 14 साल की एक छोटी सी बच्ची है और वो अपनी माँ की एक दुलारी बेटी है। कुछ साल पहले तनुजा जी के पति का डेथ हो गया है, जिस कारण से उनके घर में तनुजा जी, तिथि और लड्डू गोपाल ये तीनों ही रहते हैं। 14 साल की छोटी सी तिथि पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। उसके माँ के मन में एक ही ख्याल हमेशा आता है कि कैसे मैं अपने बेटी का पढ़ाई पूरा करूँगी। तिथि के पापा के डेथ के बाद घर चलाना ही कितना मुश्किल हो जाता है, तो अब मैं तिथि का पढ़ाई कैसे करूँगी। यही सोचकर उन्होंने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया था। वो हर रोज उठकर सुबह लड्डू गोपाल जी का सेवा करती और अपने काम के लिए बाहर चली जाती और अपने बहन से कहती, पूरा दिन लड्डू गोपाल जी का तुम अच्छे से ख्याल रखना। शाम को मैं घर पर आकर फिर से लड्डू गोपाल जी को भोग दे दूंगी और शयन में दे दूंगी। तब तक तुम भाई को दोपहर का खाना खिला देना, ठीक है। यही कहकर तनुजा जी चली जाती थी अपने काम पे। ऐसे ही तीनों का दिन बीत रहा था। तिथि भी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो हमेशा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि उसका सपना था, एक दिन मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है, ताकि मैं अपनी माँ के जीवन का सारा दुख दूर कर पाऊँ। भाई के सेवा के साथ साथ वो अपना पढ़ाई भी करती थी। उसने कभी भी अपने पढ़ाई में कोई भी चीटिंग नहीं की। हमेशा वो पढ़ाई में भी ध्यान देती और अपने भाई को भी ध्यान रखती। दूसरी तरफ तनुजा जी बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जिस कारण से वो जिस घर में काम करती थी उस घर की मालकिन तनुजा जी से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उसका स्वभाव इतना अच्छा था। मालकिन जो भी कहती हमेशा वो उस काम को करती, जिस कारण से मालकिन भी तनुजा जी से बहुत प्रेम करती थी। हर रोज जब वो शाम का खाना बनाती थी तो उसकी मालकिन उससे कहती थी, तुम अपना और अपने बेटे के लिए भी खाना बना लो और रात का खाना तुम यहाँ से ही लेकर जाना। हर रोज तनुजा जी अपनी बेटी अपने लिए और लल्ला के लिए खाना लेकर आ जाती थी। ऐसे ही खुशी खुशी दिन जा रहा था, लेकिन अचानक से ही उनके जीवन में आया एक अंधकार। उस दिन भी तनुजा जी सुबह सुबह उठकर उन्होंने लड्डू गोपाल जी का सेवा किया, उन्हें भोग लगाया और काम के लिए निकल गई। लेकिन जब वो रास्ते में जा रही थी तब अचानक से ही एक गाड़ी ने उन्हें धक्का मार दिया और वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो गया। रोड के उस पार काफ़ी सारे लोग खड़े थे, तो एक ऑटो ड्राइवर वहां आया और तनुजा जी को लेकर हॉस्पिटल में चला गया और उस ऑटो ड्राइवर ने ही तनुजा जी को हॉस्पिटल में भर्ती भी कर दिया। हॉस्पिटल में तनुजा जी से कहा गया, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, जिस कारण से आप अभी एक महीने तक बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे। अगर आपको किसी को खबर देना है तो आप हमें बता सकते हो, हम आपके घर वालों को खबर दे देंगे। तनुजा जी अपने घर का एड्रेस डॉक्टर को देती है और कहती है, इस घर में मेरी बेटी रहती है, अगर हो सके तो आप उन्हें खबर दे दीजिए। तनुजा जी से घर का पता लेते ही डॉक्टर उसकी बेटी को खबर देने लोग भेज देते हैं और तनुजा जी की बेटी भागते हुए हॉस्पिटल में आ जाती है। दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, मेरा इतना बड़ा एक फ्रैक्चर हुआ है, अब तो मैं एक महीने तक चल भी नहीं पाऊंगी,
इसका मतलब मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। अब मैं तेरे स्कूल का खर्चा कैसे चलाऊंगी? ऊपर से इतने सारे दवाई भी लेना पड़ेगा और हॉस्पिटल का बिल भी है। सब कुछ कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर ने कहा है एक महीने तक हमें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। अब तू ही बता बेटा, कैसे हम इस हॉस्पिटल का बिल मिटाए? जब तनुजा जी के बेटी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने मम्मा से कहा, मम्मा एक काम हम कर सकते हैं, जहाँ तुम काम करती हो वहाँ पर मैं चली जाऊँ। बेटी के मुंह में ये बात सुनते ही तनुजा जी बहुत ज़्यादा ही नाराज हो जाती है और कहती है, नहीं तुम कहीं भी काम पर नहीं जाओगी, तुम बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दोगी, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, ये हमेशा याद रखना। अगर तुम किसी के घर में पर काम करने जाओगी तो तुम्हारा पढ़ाई कैसे तुम करोगी, इसीलिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक महीना जैसे तैसे चला लो, उसके बाद मैं फिर से काम में जाऊंगी। लेकिन दुख इसी बात का हो रहा है कि उतना अच्छा घर शायद मुझे और नहीं मिलेगा, क्योंकि मालकिन तो बड़ी ही अच्छी थी, वो हमेशा हमें खाना भी देती थी, लेकिन अब जो घर में मैं काम करने जाऊंगी, क्या पता उस घर में मालकिन कैसी होगी, क्या वो मुझे खाना देगी, क्या वो मेरे साथ प्यार से बात करेगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन छोड़ बिटिया, तू इतना मत सोच, बस तुझसे एक ही निवेदन है, तू बस लल्ला को एक बार हॉस्पिटल में ला दे, वो मेरे पास रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, तू बस पास वाली पड़ोसी आंटी के साथ घर पर रह जाना और बीच बीच में मेरे पास आ जाना और अपना पढ़ाई करना, ठीक है बेटा? यही कहकर तनुजा जी अपने बेटी के साथ ढेर सारा बात करती है। उसी दिन शाम को तनुजा जी की बेटी तिथि लड्डू गोपाल जी को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर आती है और अपनी मम्मा के बेड के पास टेबल में लड्डू गोपाल जी को बिठा देती है। तनुजा जी लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेकर कहती है, कल से मैंने अच्छे से तेरा सेवा भी नहीं किया और तुझे देखा भी नहीं, तू कैसा है लल्ला? देखना तेरी माँ तो बीमार है, इसीलिए मैं तेरा सेवा नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं तेरी बहन का खर्चा मैं कैसे चलाऊँ, काश अगर तू ही मेरा सब काम कर देता तो कितना अच्छा होता। यही कहकर वो लड्डू गोपाल जी को फिर से टेबल के ऊपर रख देती है। तिथि भी अपने माँ को देखकर लड्डू गोपाल जी को अपने साथ घर पर लेकर चली जाती है और हर रोज़ जब वो हॉस्पिटल में माँ को देखने आती है तब लड्डू गोपाल जी को लेकर आती है और माँ से मिलकर लड्डू गोपाल जी को फिर वापस घर पे लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन जा रहा था, देखते देखते एक महीना हो गया और तनुजा जी को हॉस्पिटल में छुट्टी भी दे दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो समस्या था वो है हॉस्पिटल का बिल कैसे पेमेंट करे। इसीलिए तनुजा जी ने अपने बेटी से कहा, मेरे पास जो एक सोने का हार है तुम उसे ही बेच दो और उससे जो भी पैसा मिले उससे तुम हॉस्पिटल का बिल पेमेंट कर दो। बेटी ने भी वही किया और हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करके दोनों घर चले गए। हॉस्पिटल से आने के बाद भी तनुजा जी बहुत स्वस्थ नहीं थी, उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ था जिस कारण से वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसके मन में बस एक ही चिंता सता रहा था, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी बेटी का पढ़ाई रुक जाएगा, इसीलिए काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा ये है कि मैं एक बार मालकिन के घर में जाती हूँ और एक बार देखकर आती हूँ उनके घर में कोई नई नौकरानी आई है या नहीं, अगर नहीं आई है तब तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। यही सोचकर तनुजा जी अपने मालकिन के घर चल पड़ी। मालकिन के घर में आते ही उसने कॉलिंग बेल दबाया और जैसे ही मालकिन ने दरवाज़ा खोला तो तनुजा जी को देखकर उन्होंने कहा, अरे तनुजा आज तू आई है, तेरा बेटा नहीं आया? ये बात सुनते ही तनुजा जी तो बहुत ज़्यादा ही हैरान और चौंकित हो गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा? मेरी तो एक ही बेटी है मालकिन, आप तो जानती हो। तब मालकिन ने तनुजा जी से कहा, क्या तेरी एक ही बेटी है?
तो तेरे बेटे ने तो मुझसे कहा तेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए माँ ने तुम्हारे घर में मुझे काम के लिए भेजा है और एक महीने तक मैं ही काम करूँगा। माँ जब स्वस्थ हो जाएगी तो माँ आएगी। और उसने तो मुझे कहा वो तेरा बेटा है और तू कह रही है तेरी बस एक ही बेटी है। ये सब क्या चक्कर चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता है तनुजा, वो मेरे लिए हर रोज लड्डू लाया करता था और मुझसे कहता था ये मेरी दीदी ने मुझे दिया है मालकिन, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, आप खा लो। यही कहकर वो हमेशा ही मुझे लड्डू देता था और लड़का बहुत अच्छा था। मैंने तो उसे एक महीने का पगार भी दे दिया और तू कहती है तेरा कोई बेटा नहीं है। मालकिन की बातों को तनुजा जी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है और मालकिन क्या कह रही है मुझे। और तनुजा जी मालकिन से कहती है मालकिन आप क्या कह रही हो, एक महीने से मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी बस एक ही बेटी है, मेरा कोई बेटा ही नहीं है और वो कैसे काम कर सकता है, वो तो कुछ भी नहीं जानता आपके घर के विषय में। तब मालकिन कहती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़का यहाँ काम करने आया था वो तो यही बता रहा था कि वो तेरा बेटा है। चल छोड़, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अगर वो नहीं आता तो मुझे कितना सारा काम करना पड़ता, फिर नया नौकर भी ढूंढना पड़ता। जिसने भी तेरा मदद किया वो तुझसे बहुत प्रेम करता होगा, इसीलिए तेरा मदद किया है। चल अब घर का काम खत्म कर ले और वापस खाना लेकर घर चले जा। मालकिन की बात तनुजा जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने उस दिन घर का काम खत्म किया और शाम को खाना बनाया और वही खाना लेकर वो अपने घर चली गई। खाना लेकर घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को भोग देने की तैयारी शुरू की और जैसे ही वो ठाकुर जी को भोग देने गई तो उन्होंने देखा ठाकुर जी के पास एक महीने काम का पूरा पैसा रखा हुआ है। और ठाकुर जी के पास पैसा देखकर तनुजा जी को सब कुछ समझ में आ गया और हॉस्पिटल में लड्डू गोपाल जी से कहा हुआ बात भी उन्हें याद आ गया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी से कहा था अगर मेरे बदले तू काम पर चला जाता तो कितना अच्छा होता। उनकी बातों को सुनते हुए ठाकुर जी स्वयं ही चले गए थे काम करने। जैसे ही उन्हें समझ में आया ये सब कुछ ठाकुर जी का लीला है तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने गोदी में ले लिया और फूट फूट कर रोने लगी और लड्डू गोपाल जी से कहने लगी मैंने तो बस आपसे मजाक किया था ठाकुर जी और आप स्वयं ही चले गए काम करने, एक मेरे जैसी अभागन के लिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ा, आपके इस नन्हे नन्हे हाथों को काम करना पड़ा, पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी पाप हो गई, आपको मेरे लिए कितना कष्ट सहना पड़ा। आप तो अंतर्यामी हो ठाकुर जी, लेकिन फिर भी भक्त के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, अगर आप ये ना करते तो कभी मुझे समझ में ही नहीं आता। माँ को रोता हुआ देख तिथि भागती हुई माँ के पास आई और उसने अपने माँ से पूछा माँ क्यों आप रो रही हो, क्या हुआ है। तब तनुजा जी ने अपने बेटी को सारी घटना खुलकर बताई। तनुजा जी की बात को सुनते ही तिथि ने कहा अरे मम्मा मैं तो हर रोज भाई को लड्डू का भोग देती थी और भाई ने वही लड्डू मालकिन को दे दिया और पुत्र होने का फर्ज निभाने के लिए ठाकुर जी खुद ही काम पर चले गए, ये तो बस मेरा भाई ही कर सकता है। ये सब कहते कहते दोनों ने ही लड्डू गोपाल जी को गोदी में लिया और ढेर सारा प्यार करने लगे। तो देखा आपने, ठाकुर जी अपने भक्त के लिए हर सीमा को लांघ सकते हैं, लेकिन बस हम ही ठाकुर जी पर भरोसा ही नहीं करते। बस अपनी मन की बात ठाकुर जी से एक बार कहकर तो देखिए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बताइए तनुजा जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए
और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही खुश रहे, हमेशा हंसते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।